हाँ भाई, कहाँ जा रही है राइड? कहाँ जा रही है राइड? राइड कहीं नहीं जा रही, बस वेले घूमने निकल रहा हूँ। मौसम बढ़िया हो गया जैसे ही। हाँ, और बढ़िया सब? यूट्यूब पे वीडियो, यूट्यूब पे डालूंगा। हाँ, जट प्रभजोत। मौसम देख रहे हो आप लोग, दोपहर के 4:30 हो रहे हैं और तगड़ी वाली अंधेरी चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे रात के 7-7:30 बज रहे हैं और आज संडे है। सुबह राइड पे जा नहीं पाया क्योंकि रात को लेट घर आया था, वो डिटेलिंग डेविल के फेस्ट पे गया हुआ था, इवेंट पे। तो अब निकला था बाइक लेके कि कुछ वीडियो बना लेता हूँ, 2-4 काम है, करोलबाग जाना है, इसके साइड मिरर छोटे वाले पता करने और लगा के देखूंगा कि अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे। और बाहर निकलते ही मौसम देखा तो ये तो ज़बरदस्ती मौसम हो रहा है। मिट्टी देखो रोड पे कैसे उड़ रही है और आगे जाम भी लगा हुआ है, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्रीकाल, नमस्ते, बड़ों को, पैरी बनो और छोटों को हेलो। सो वैसे तो गुड इवनिंग होने वाली है, मौसम एकदम ज़बरदस्त हो रहा है। चलो देखते हैं, जाम लगा भी होगा तो, क्योंकि ऐसे मौसम में खासकर जाम लग जाता है। बारिश आने वाला मौसम हो रहा है, जो घर बैठे भी होते हैं लोग वो भी बाहर निकल जाते हैं कि हाँ भाई ये तो घूमने का मौसम हो गया है। तो अब जाता हूँ पहले करोलबाग, एक आधा काम है वो भी निपटा लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। सुबह से ही घर बैठा हुआ था और बड़ा अफसोस हो रहा था कि आज सुबह संडे राइड पे जा नहीं पाया और मेरी गलती है। रात को आया, फिर 3 बजे तक वीडियो एडिट करी, सुबह अपलोड करी, फिर 1 घंटे के लिए सोया। मैंने चलो 1 घंटे के लिए सो जाता हूँ, थोड़ा उठ के निकल जाऊँगा, लेकिन ऐसा सोया कि नींद ही नहीं खुली। लेकिन बस वही है ना, भगवान अपने साथ है। घर से निकलते ही मौसम A1 हो चुका है, लेकिन तगड़ी बारिश आने की उम्मीद है, तगड़ी वाली। उससे पहले पहले मेरा काम निपट जाए बस, नहीं तो आज बाइक को नहला देंगे बाहर खुले आसमां में, खुली हवा में। तो बेसिकली क्या था, मैं घर से सोच के निकला था कि आज इस बाइक का स्पीड टेस्ट करूंगा, इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है। लेकिन इस मौसम में मैं रिस्क नहीं ले सकता, रिस्क तो मैं वैसे भी नहीं लेता बाइक के साथ, लेकिन इस मौसम में बिल्कुल भी नहीं। आप देखेंगे रोड पे कैसी मिट्टी विट्टी उड़ रही है, एकदम से बारिश कभी भी चालू हो जाएगी, हल्की हल्की बूंदाबांदी तो चालू हो गई है। तो नो रिस्क, तो आज का स्पीड टेस्ट फेल ड्यू टू वेदर, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। तो करोलबाग का काम निपटा लेता हूँ, फिर देखता हूँ ढाबा वगैरह चला जाऊँगा, XBHP ढाबे, वहीं पर एक दो भाइयों को फ़ोन कर दूँगा, वहीं आ जाएंगे, आज की शाम वहीं बिताएंगे। अरे रे रे रे, बारिश तेज फुल स्पीड से। चलो जहां जाना मैं पहुंच गया हूँ करोलबाग। मौसम ज़बरदस्त हो गया और मेरे को साइड मिरर इसके मिले नहीं है, एक जगह मिले हैं लेकिन कलर उसके पास गोल्डन है और ब्लू है, लेकिन मैं वो लगवाना नहीं चाहता, मुझे चाहिए ब्लैक। तो उसने बोला 1-2 दिन में मंगवा देगा और अभी टाइम 5:30 हो रहे हैं और आप मतलब क्या ही मौसम हो गया, बड़ी तगड़ी वाली बारिश हुई है। पिछले आधे घंटे से मैं उसकी शॉप पर खड़ा हुआ था, बाइक देखो पूरी मज़ेदार हो गई है, नहा चुकी है, हल्का फुल्का मैं भी नहा लिया था। तो अब आगे का सीन क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो XBHP का तो मैंने सीन कैंसिल कर दिया क्योंकि इतनी बारिश में वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मौसम अभी भी बना हुआ है, कभी भी बीच में एकदम से तेज़ होगी बारिश फिर खड़े रह जाओ वहाँ पर आधे घंटे के लिए। मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा था कि कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है क्योंकि मौसम बना हुआ था, इसलिए मैंने अपना टॉप स्पीड वाला प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आहा क्या हवा है, ऐसे मौसम में तो बाइक भी बड़ी ध्यान से चलानी पड़ती है क्योंकि इन बाइक्स में पिकअप बहुत ज़्यादा होता है, आपने हल्की सी रेस दी नहीं ये भागने को तैयार हो जाती है। थोड़ा पिलर के नीचे हो जाता हूँ बारिश से बचने के लिए। अरे तो दिस इज कॉल्ड दिल्ली, जगह जगह पानी भरता है। अरे वाह वाह वाह, बिजली देखी थी आप लोगों ने चमकती हुई? आज तो लग रहा रात तक ऐसा ही मौसम रहेगा,
वैसे तो दोपहर को ही रात हो गई थी, लेकिन रात तक वैसे ही रहेगा। मैं तो कहता हूँ दो चार दिन ऐसा ही मौसम रहे ना तो मज़ा ही आ जाए। आज सुबह इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा धूप की पूछो मत। मैं स्कूटी पे थोड़ा आगे तक गया था, मतलब गरम गरम लू चल रही थी, तो मैं वापसी घर के अंदर घुस गया, लेकिन अब तो कमाल ही हो गया। तो काफ़ी बंदों के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि ये जो राइडिंग ग्रुप है मेरा, ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मैं भी एक मेम्बर हूँ, मैंने भी 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया है ये ग्रुप, और मुझे आइडिया नहीं है आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आगे बात करूंगा और आगे वो क्या बोलते हैं मेरे को, या मुझे कुछ ईमेल आईडी देते हैं या कोई भी अकाउंट देते हैं जिस पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हाँ कैसे ज्वाइन करना है, बिकॉज़ मैं नहीं बता सकता कि आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ज्वाइन किया है कोई, मैं एडमिन नहीं हूँ इस ग्रुप का। और काफ़ी बंदों के क्वेश्चन आते हैं कि उनका भी यूट्यूब पर चैनल है, चैनल को प्रमोट कर दो, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। तो मैं काफ़ी बंदों से पूछता हूँ कि कितनी वीडियो डाली हुई है आपने, कोई कहता 3, कोई कहता 4, कई उन्होंने 200-200 वीडियो भी डाली हुई हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ आप मेहनत करते रहिए, परेशान मत होइए कि हाँ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, बढ़ते हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं, कभी कभार बीच में एकदम से हाइक भी आती है, एकदम से बढ़ जाते हैं, दिन में 1000-2000 भी बढ़ जाते हैं। तो बस सारा आपकी मेहनत के ऊपर है। और काफ़ी बंदे मेरे से पूछते हैं कि कितना अर्न कर लेते हो यूट्यूब से, तो बस इतना अर्न कर लेता हूँ कि पेट्रोल का खर्चा निकल जाता है, कोई ज़्यादा कमाई नहीं है इसके अंदर। कहीं आप सोचो कि बड़ी तगड़ी कमाई है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, होती है एक टाइम पर होती है जब अच्छे लेवल पे आप पहुँच जाओ, लेकिन अगर आपने चैनल बनाया और आपने ये सोच के बनाया हुआ है कि आप इसको कमाने के लिए बना रहे हैं, तो बिल्कुल भी भूल जाना इसे। अगर आपका शौक है तो आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आप मे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने सोच के बना हुआ कि हाँ अच्छे खासे पैसे कमाओगे, ये करोगे वो करोगे, तो भूल जाना, क्योंकि वो टाइम बहुत आगे जाके आता है कि हाँ आप अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको अच्छे खासे सब्सक्राइबर चाहिए, आपको व्यूज़ चाहिए अपनी वीडियो पे, उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ मेहनत, सारा ध्यान आपका मेहनत पर होना चाहिए। कंटिन्यूस वीडियो डालो पहले, कंटिन्यूस मतलब हफ्ते में 2 वीडियो तो डालना ही डालो, आपका चैनल अपने आप ही उठता जाएगा। काफ़ी बंदे मेरे से पूछते हैं कि आप करते क्या हो, और काफ़ियों को पता भी है कि मैं जॉब करता हूँ, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गुड़गांव में ही साइबर सिटी में जॉब करता हूँ, मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस होता है, सैटरडे संडे मैं अपने शौक पूरे करता हूँ राइड करके। तो राइडिंग बेसिकली मेरा शौक है जो मैं अपने लिए करता हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो मेरे को 8-9 हार्डली 1 साल हुआ होगा, लेकिन ये राइड वगैरह ये मैं करीबन 4-5 साल से कर रहा हूँ। मैंने इवन लद्दाख की राइड भी करी हुई है, वो काफ़ियों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले जो मेरी सबसे ओल्डेस्ट वीडियो है वो लद्दाख की है, जिसमें वॉइस भी नहीं है, सिर्फ मैं गोप्रो लगा के गया था हेलमेट पे, तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी इसकी, बस ये पता था कि हाँ राइड का सारा नॉलेज था लेकिन वीडियो का कुछ नॉलेज नहीं था। जिन लोगों को ये पता है कि मैं जॉब करता हूँ, उनका मेनली ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि आप टाइम कैसे निकालते हो वीडियोज़ के लिए, राइड के लिए। तो देखो सीधी सी बात है, अगर आपका कोई चीज़ जिसमें शौक है, आपका इंटरेस्ट है, तो टाइम आपको खुद निकालना पड़ेगा और वो खुद ही निकलेगा। तो बस यही है, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस, उसके बाद जो 2 दिन होते हैं उसमें देखता हूँ कि कहाँ राइड पे जाऊँ, क्या करूँ। अब जो मैं माना राइड करने वाला हूँ, 1-2 दिन में ही निकल जाएंगे हम यहाँ से, अराउंड थर्सडे निकल रहे हैं, आज संडे है, तो उसके लिए मैंने 2 दिन ऑफिस से छुट्टी ली है, और सैटरडे संडे मैं बीच में लूँगा, तो 4 दिन की राइड है ये। अब 2 दिन की सैलरी कटेगी या वो लीव में काउंट करेंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ जो करना है वो तो करना ही है। तो बस शौक भी ज़रूरी है, ऑफिस भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिस जॉब वगैरह नहीं करेंगे तो खर्चे कहाँ से चलेंगे। ओए मौसम ने तो आज जान ही ले लिया है। तो बस यही 2-3 क्वेश्चन थे जो मेरे से मोस्टली पूछे जाते थे, और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछें, इंस्टाग्राम की आईडी आ रही मेरी उस पर पूछें। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, इसमें कुछ खास नहीं था, थोड़ा बहुत Q&A हो गया, करोल बाग में जिस काम से गया था वो हो नहीं पाया, टॉप स्पीड की वीडियो बनानी थी वो बना नहीं पाया, और मिरर लेने थे वो मिले नहीं, तो कह सकते हैं बेकार दिन भी है, लेकिन अच्छा दिन इसलिए मौसम बढ़िया हो गया। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, पता नहीं कैमरे में विजिबिलिटी होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि बूंदें आके चिपक जाती हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड राइड सेफ, बाय बाय।